गुड आफ्टरनून क्लास एट्थ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स में जेरंड्स पढ़ाऊंगी। ये क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी से एंड होते हैं, ठीक है। दीज वर्ड जो जेरंड्स होते हैं एंड विद आईएनजी एंड विद आईएनजी, जैसे प्लेइंग, लाफिंग, can't helping,
अवॉइडिंग का बनाइए, कीप पे अपने आप लिखिए, उसके बाद मिस सजेस्ट और गिव अप, मिस मिसिंग सजेस्ट सजेस्टिंग और गिव अप, गिविंग अप, गिव अप का गिविंग अप, ये बनते हैं। जेरुंड्स को फाइंड आउट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे, पहले पढ़ेंगे और फिर वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखिए लिख लिया आपने, अब हम दूसरा देते हैं। इसमें आपको ये जोरेंट्स जो है ये आपको अंडरलाइन करने हैं। आपको देखिए कौन से हैं और उनको अंडरलाइन करिए। अब नेक्स्ट देती हूँ आपको,
her tail is wagged. Hunting is bad. Mother is cooking noodles. Mother is cooking noodles. Teacher is teaching in the class. Teacher is teaching in the class. इनसे आपको भरना है, ठीक है? क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, the old bicycle is a difficult task. यहाँ करना है, the old bicycle is difficult. Is not good for health or my friend suggested for a picnic. इसमें आपको जो चैलेंज है वो फिल करने हैं, भरने हैं, ठीक है? तो ये आप करेंगे. मुझको नहीं पता आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो भी हम पढ़ाते हैं उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए.
ये आपके आगे के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, अब आज के लिए इतना ही। काम कर लीजिएगा, बाकी आपको हम कल करवाएंगे। ओके, सी यू टुमारो, बाय।